हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अभिन और आप देख रहे हैं समथिंग न्यू यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आया हूँ कासगंज, और कासगंज में एक बहुत ही प्राचीन पुल बना हुआ है नदरई पे, जो अंग्रेज़ों ने बनवाया था। और जिसकी खासियत यह है कि यहाँ पे मतलब एक नदी ऊपर से बहती है और एक नदी इसके नीचे से बहती है। अभी मैं आपको वो नदी चल के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर ये खासियत, एक तो इसमें ऊपर ये नदी बह रही है, आप देख सकते हैं यहाँ से पूरी, ये देखो ऊपर से जा रही है पूरी नदी, और एक नदी आपके यहाँ से नीचे से भी बहती है। आओ अभी दिखाता हूँ आपको, एक नदी ये देखो नीचे से निकली हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अभी मैं नीचे से जाके दिखाऊंगा आपको। ये जो नदी है इसका काला पानी है, उधर जो नदी है उसका साफ पानी है। फ्रेंड, अभी मैं आ गया हूँ पुल के नीचे, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसको बोलते हैं शायद चोर कोठरी, और इसमें अभी मैं अंदर आपको चल के दिखाता हूँ। हम बता दें, पहले शायद नीचे से रास्ता जाती थी, लेकिन अभी फिलहाल बंद कर दी है। ये है इसका अंदर से, ये पूरा इधर से चलते हैं, इधर भी कुछ और है, इधर कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे बंद है पूरी, ये इतना है और ये यहाँ पे इतना है। दूसरी साइड और चल के अभी देखता हूँ, एक ये रास्ता गई है इधर से। तो फ्रेंड, इसमें नीचे को है यहाँ पे रास्ता, ये रास्ता है नीचे के लिए, पर यहाँ से शायद बंद कर दिया है लोगों ने। ये देखो आपको दिखाता हूँ मैं नीचे से ले जाके। ये रास्ता है, ये वाला शायद आपको दिख रहा हो, और ये रास्ता अंदर जाके। फ्रेंड, मैं खड़ा हूँ अभी पुल के नीचे, और यहाँ पे मैंने एक चीज देखी कि ये पुल हो गया काफी पुराना, यहाँ से ये पानी ऊपर से टपक रहा है नीचे के लिए। यहाँ पे आप देखो, ये पुल है ऊपर, ये देखो यहाँ पानी टपक रहा है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो गया है, और ये आप देख सकते हैं ऊपर से पानी यहाँ पे टपक रहा है, शायद आपको दिख रहा हो। फ्रेंड, मैं आ गया उस काली नदी के पास जहाँ से काला काला पानी निकल रहा है। ये देख लो आप, पुल के नीचे से काला पानी निकल रहा है, और इसके ऊपर जो पानी चलता है वो साफ पानी है। ये देखो पुल ऊपर है, और मैं इसके नीचे अभी खड़ा हुआ हूँ, और ये इधर से निकल के आया था। इधर ये तुम्हारा पूरा सूखे हुए हैं, जितने भी बने हुए हैं पीछे से, इसमें सिर्फ पानी है और बाद बाकी आगे के सूखे हुए हैं। अभी मैं आपको उधर भी दिखाऊँगा, मैं चल रहा हूँ पुल के नीचे से। घर से मैं निकल के आया था फ्रेंड, अभी आपको दिखाता हूँ ये पुल है, और मैं अभी चल रहा हूँ इसके नीचे होकर। दूसरी साइड जाने के लिए रास्ता बना हुआ है, उधर मेरी बाइक खड़ी हुई है, बाइक से मैं आया था। इसमें आवाज़ मारो तो आवाज़ बज रहा है ये पूरा। इसके ऊपर भी एक नहर चल रही है ऊपर साफ पानी वाली, और उधर मैंने दिखाई थी वो आपको जो काला पानी होता है, काले पानी की नदी चल रही है उधर, उसको काली गंगा बोलते हैं। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. से अंदर आएंगे नदरी गांव में, तो यहाँ पे एक घंटा रखा हुआ है जो बहुत ही प्राचीन घंटा है, जो बताते हैं यहाँ पे कोई महाराज थे भीमसेन, उनको मिला था, किसी ने दिया था ये। वो घंटा है अष्ट धातु का घंटा है, इसमें मतलब आठ धातुओं से मिलके बना हुआ घंटा ये,
ये उनको किसी ने दान में दिया था, और मारम ने यहाँ पे कैसे करके क्या है कि वो इनको बजाते थे या जैसा भी है, और यही है वो अष्ट धातु का घंटा। तो फ्रेंड जब हम इस घंटे को देखेंगे अच्छे से तो इस पर कुछ लिखा हुआ है कई एक भाषा में, ये भाषा है ये तो मेरे समझ में नहीं आ रही है गुजराती है या क्या है, और यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये शायद लिखा हुआ है तुम्हारा संस्कृत में, इसको तो पढ़ सकते हैं, ये संवत लिखा हुआ है 1880 लिखा हुआ है, आगे मैं लिखा हुआ है, फिर भीम लिखा हुआ है, और आगे ये समझ में नहीं आ रहा फिर मेरे, और इधर देख रहे हैं तो ये कुछ उर्दू में लिखा हुआ है घंटे पे, और इसके बगल में ही एक मंदिर है सामने बिल्कुल, और इस मंदिर में मतलब मूर्ति वगैरह हैं, तो यहाँ पे जो पुजारी जी रहते हैं उन्होंने इसमें अंदर मना किया है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए उन्होंने ताला लगा दिया, और इधर यहाँ पे एक हनुमान जी की मूर्ति है, बस यही सब कुछ है यहाँ पे। फ्रेंड यही था एक छोटा सा वीडियो जो आपके लिए बनाया था, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जो रेड कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के आप सब्सक्राइब कर लो, और घंटी का जो आइकन दिख रहा है उसको दबा दो, जिससे आप मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको सबसे पहले। मिलते हैं आपको नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय जय।